फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ डिज़ाइन। डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनने वाला है और बहुत ही न्यू लेटेस्ट फैशन है। और साथ ही में मैं आपको ये जानकारी भी दे दूँ कि ये ब्लाउज़ जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ वो सारे लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बन रहा है। इसमें ये एज अ मेन फैब्रिक मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये वाला फैब्रिक। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक बचा था एक कुर्ती डिज़ाइनिंग के बाद। उस कुर्ती को भी मैंने डिज़ाइन किया था और उसकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये फैब्रिक उसी कुर्ती में से लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था। और ये नेट का जो फैब्रिक है ये एज अ स्लीव हम यूज़ करने वाले हैं। ये भी मैंने एक ब्लाउज़ बनाया था, उसमें से आप देख सकते हैं ये भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक इतना बचा हुआ था। तो इस तरह के जो थोड़े से बड़े पीसेज आपके बचते हैं कुर्ती में से, ब्लाउजेज़ में से, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने सिर्फ यहाँ पर ये लाइनिंग वाला फैब्रिक ही लिया है। तो बिना किसी देरी का चलिए मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ किस तरह से हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले लाइनिंग वाला फैब्रिक कट करना है। और साथ ही में मैं आपको बता दूँ, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया है डिज़ाइनर ब्लाउज़ का फ्रिल स्लीव के साथ, उसी पैटर्न पर ये ब्लाउज़ भी कटिंग होगा और स्टिचिंग भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा। सिर्फ स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो चेस्ट अगेन हमें यहाँ पर 34 इंचेस रखनी है, 34 to 36 इंचेस रेडी हो विथ मार्जिन 34 इंचेस हमें रखनी है। तो यहाँ पर चौड़ाई टोटल मैं 10 इंचेस पर ले रही हूँ। 8.5 इंचेस पर हमारा रेडी ब्लाउज़ आएगा 34 के अकॉर्डिंग। तो 1.5 इंच से ज़्यादा ही मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है मार्जिन के साथ। यहाँ पर नेक की विड्थ जो है वो मैं रख रही हूँ 3 इंचेस पर, और शोल्डर मैं रख रही हूँ 4 इंचेस पर। सेंटर में जो हम यहाँ पर कटिंग करेंगे उस कटिंग और जॉइंट को लेकर के, क्योंकि 3 इंचेस हम शोल्डर रखते हैं, और उसके बाद हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हम यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं शोल्डर पे। उसके लिए अगेन फ्रंट नेक हम 5.5 इंचेस पर फ्रंट नेक लेंगे राउंड शेप में, और बैक नेक लेंगे हम 4.5 इंचेस पर इस तरह से। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये हमारा फ्रंट और बैक नेक हो गया है। यहाँ पर अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल ले रहे हैं 6 इंचेस पर, और 1.5 इंच पर आर्म होल के लिए हम गोलाई ले लेंगे इस तरह से। चेस्ट की मेज़रमेंट लेकर ही मैंने फैब्रिक फोल्ड किया है, वेस्ट की मेज़रमेंट हम नहीं लेंगे, फैब्रिक को हम फिटिंग में एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ नीचे से हम टक्स पॉइंट लेंगे 3.7 इंचेस पर, और यही टैक्स पॉइंट हम ऊपर तक पूरा स्ट्रेट मिला देंगे इस तरह से, और इसे ही हमें कट करके सेपरेट करना है। अब ये हमारी पूरी हमारी मार्किंग हो चुकी है ब्लाउज़ के लिए। बैक नेक को हम यहाँ कट करेंगे, फ्रंट नेक को यहाँ कट करेंगे। यहाँ से हम पूरा फैब्रिक सेपरेट कर देंगे, और देन ये आर्म होल हमारा कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में सेम आर्म होल होने वाला है। तो अब इसे कट कर लेते हैं, और साथ ही में इसी पैटर्न को मैं मेन फैब्रिक पे भी कट करूँगी। फ्रंट और बैक को पहले सेपरेट कर दें, और फ्रंट का नेक कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बैक के नेक के लिए कटिंग करेंगे। आप यहाँ पर नेक चाहे तो डीप भी रख सकते हैं, जो ब्लाउज़ का पैटर्न है उसमें नेक जो है वो छोटी अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर नेक साइज़ कम लिया है। आजकल डीप नेक ज़्यादा ट्रेंड में थे, बट अब जो ये है ब्लाउज़ डिज़ाइनर ब्लाउज़ में कभी बोट नेक कभी डीप नेक, इसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइंस चलते हैं। यहाँ पर अब मैं बैक नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर का मेज़रमेंट मैं ये फ्रंट पार्ट से ले लूँगी,
इस तरह से। ये हमारा बैक नेक हो गया, दोनों ही राउंड होने वाले हैं। बैक नेक को बीच से सेपरेट करेंगे क्योंकि हम बैक हुक करेंगे इसे। ये बैक नेक हो गया, ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट, और ये हमारा आर्म होल साइड है दोनों पार्ट्स के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। अब मैं आपको स्लीव्स के लिए बता दूँ, स्लीव्स के लिए ये जो नेट फैब्रिक है इसी में स्लीव्स कट करेंगे। इससे पहले हम इस तरह से डबल कर लेंगे, हमें जो भी स्लीव लेंथ चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स को कर लिया है। स्लीव काटने के लिए स्लीव की जो लेंथ है वो प्रॉपरली लेंथ है, मैं बता दूँ स्लीव लेंथ आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पर ये टोटल 7 इंचेस है और स्टिच होने के बाद लगभग ये 6 इंचेस के आसपास रेडी हो जाएगी, क्योंकि एक साइड में हम हेमिंग करेंगे या फिर लेस भी लगा सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने लेस लगा दिया था, और दूसरी साइड में सिर्फ 1/2 इंच की स्टिचिंग होगी। बट ये वाली जो स्लीव की चौड़ाई है वो चौड़ाई हमें रखनी है फ्रंट टू बैक के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट टू बैक के अकॉर्डिंग मैंने ये रखी है। दैट मीन्स कि जो आपकी ब्लाउज लेंथ है, ब्लाउज लेंथ अगर आपकी 15 है तो ब्लाउज लेंथ का डबल, जो आप अगर 15 पे कट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने 15 पर कट किया है, मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ, तो 15 का डबल आपको चाहिए, दैट मीन्स 30 चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 15 पे कट किया है, ये 15 है पूरा टोटल, और इसे जब मैं ऐसे ओपन कर रही हूँ तो ये 30 पूरा हो जा रहा है, और साथ ही में ये इधर से भी डबल है, दोनों साइड की स्लीव्स निकल जाएगी। तो स्लीव्स हमारी पूरी वेस्ट से शोल्डर तक होते हुए बैक के वेस्ट तक ये जाएगी स्लीव की। इस तरह से हमारी स्लीव्स की चौड़ाई होगी। तो अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर देते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद स्लीव्स को जो है हम राउंड शेप में मार्क करेंगे। इधर से किसी भी साइड से कर सकते हैं, आर्म होल की साइड से जो स्ट्रेट पोर्शन है उधर से हमें कुछ नहीं करना क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच हो जाएगा। यहाँ से हमें बिल्कुल ऐसा देखिए इस तरह से राउंड शेप लेना है और यहाँ पर नीचे की साइड भी जा कर के एंड कर देना है इस तरह से। ये हमारी स्लीव की मार्किंग होगी। तो ये साइड जो है हमारा वो वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा बढ़ाकर भी आप राउंड शेप ले सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव लगेगी। अगर आपको लेंथ कम चाहिए तो आप 3-4 इंच पे भी लेंथ रख सकते हैं स्लीव की, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इसे सेपरेट कर देंगे फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग। ये इस तरह से मैंने सेपरेट कर दिया। अब मैं दोनों स्लीव्स आपको अलग अलग दिखाती हूँ और पैटर्न भी बता देती हूँ कि ये स्टिच कैसे होगा। ये देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई, कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि ये स्टिच कैसे होगा। लाइनिंग वाले फैब्रिक पर ही रख के बता देती हूँ। ये जैसे हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमने शोल्डर साइड से कट किया है, ठीक है, इस तरह से मानती हूँ शोल्डर कट किया है साइड से, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पे टक्स जो है वो हम फ्रंट में बढ़ा कर के ले लेंगे और बैक में कम लेंगे। तो हमारी स्लीव जो है वो यहाँ इसके साथ स्टिच होंगी, फ्रंट से बैक तक इसके साथ ही स्टिच होंगी इस तरह से। जो स्लीव्स का राउंड शेप है वो बाहर की साइड आएगा, जो स्ट्रेट वाला पार्ट है वो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्टिचिंग होगी। ये हमारे मेन फैब्रिक पे हम ये लाइनिंग वाला कट करेंगे, उसके बाद आप इस ब्लाउज़ का लुक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा लुक आने वाला है। ऑप्शनल है, यहाँ पर आप चाहें तो पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बट नॉर्मल स्टिचिंग में कुछ
ज़्यादा ही अच्छा लुक आता है पाइपिंग से अकॉर्डिंग यहाँ पर। और यहाँ साइड में स्लीव्स में लेस लगा सकते हैं, पीको कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको मैं स्टिचिंग शो करती हूँ। फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। और नेक लाइन की हेमिंग कर सकते हैं आप और स्ट्रिप से, या फिर नेक लाइन को सिंपल आप स्टिच कर सकते हैं। तो मेन फैब्रिक कट करके मैं आपको स्टिचिंग शो करती हूँ। तो चलिए मैं आपको अभी स्टिचिंग बताती हूँ। स्टिचिंग में सबसे पहले हमें शोल्डर्स को जॉइंट करना होगा, सभी पार्ट्स के जो शोल्डर्स हैं उन्हें जॉइंट करेंगे हम। तो इसे हम रखेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट साइड होगा, पहले हम इसे ऐसे रखेंगे लाइनिंग के साथ इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर हम अनदर पार्ट रखेंगे इस तरह से। देन उसके बाद एक और लाइनिंग वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से। और अब हम इसे स्टिच करेंगे शोल्डर को। ये हमारा आर्म होल की साइड वाला वन पार्ट है, लाइनिन वाला फैब्रिक है। लास्ट वीडियो में मैंने कॉटन फैब्रिक से बताया था कि लाइनिन वाला फैब्रिक है, इसलिए हमें लाइनिन को भी साथ में अटैच करना था। तो ये इस तरह से जॉइंट हो गया। ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी करेंगे। साथ ही में अब मैं आपको बता दूँ फ्रंट और बैक को हमें कैसे जॉइंट करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके साथ हम इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे। ये हमारा फ्रंट है, इसके ऊपर हमारा ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का हम इस तरह से रखेंगे मिलाते हुए। और उसके बाद बैक पार्ट का लाइनिंग वाला पार्ट रखेंगे ऐसे मिलाते हुए, ठीक है। सारे शोल्डर्स को अच्छे से मिला करके हम रखेंगे ताकि हमारा ऊपर नीचे ना हो। लाइनिंग वाला फैब्रिक, मेन फैब्रिक, सभी को हम अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। और ऊपर का जो हमारा टॉप है वहाँ से हमारी नेकलाइन वगैरह की जो मेज़रमेंट है उसमें कोई असर ना हो। ऐसे देखिए इस तरह से अब शोल्डर्स को मिला करके हम फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच करेंगे आपस में। दूसरी साइड का भी मैं बता दूँ, बिल्कुल इसी तरह से मिलाएंगे ऊपर से। और ये बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ये हमारा नेक लाइन के पास वाला एरिया, नेक लाइन का एरिया है, ये हमारी नेक लाइन है। और उसके ऊपर से हम लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे ऐसे, और फिर इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। ये हो गया, अब ये ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो और ये वाला जो हमने आर्म होल का साइड का पोर्शन स्टिच किया था वो यहाँ कुछ ऐसे आ जाएगा। ये स्टिच हो गया। अब इसके साथ ही अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को स्टिच करना है। ये हमारे स्लीव्स हैं, तो ये हमारा नेक लाइन वाला एरिया है, ये बैक है और इस साइड में फ्रंट है। और ये हमारा नेट का फैब्रिक है। फैब्रिक को सीधा और उल्टा देखते हुए हम इस तरह से लगाएंगे। और पूरा हम फ्रंट का जो वेस्ट है, यहाँ से देखिए नेट लगाया है मैंने, और इधर बैक के वेस्ट तक ये नेट पूरा आ जाएगा। और यहाँ से अब इसे हम फ्रंट के वेस्ट के पास से लगाते हुए स्टिच करेंगे। पूरा चारों फैब्रिक हमें इक्वली मिलाकर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज सल आ सकते हैं, या तो आप पहले पिनअप कर लें। और नेट को यहाँ लगा दिया है हमने, और उसके बाद ये हमारा आर्म होल के पास वाला जो एरिया है उसे लगाएंगे। एक बार फिर से देख लें, ये हमारा फ्रंट पार्ट का वेस्ट है और ये नेट वाला पोर्शन हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये आर्म होल वाला पोर्शन जो हमने जॉइंट किया था ये वो है।
इसे भी हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। और यहाँ से अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। पूरी फ्रंट टू बैक सिंगल स्टिचिंग हमारी होगी, बीच में कहीं भी हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्रंट टू बैक सिंगल स्टिचिंग हमें अब यहाँ पर लेनी है। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस बात का ध्यान रखें कि जो शोल्डर की स्टिचिंग है वो हमारी नेकलाइन वाले एरिया में और हमारे आर्म होल वाले पोर्शन में, दोनों में शोल्डर का जो जॉइंट है वो सेम प्लेस पर आना चाहिए। तो आप चाहें तो शोल्डर्स पर पहले आप छोटी स्टिचिंग लगा लें या फिर आप उसे पिनअप कर लें। ये देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इस जगह पर अभी फ्रंट में टक्स नहीं डाले थे, तो फ्रंट के टक्स के लिए फ्रंट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा हाफ इंच की स्टिचिंग कर ली है मैंने, और 1 इंच की अभी हम यहाँ पर शेप लेंगे टक्स का। ये हमने फ्रंट में 1 इंच के टक्स का शेप ले लिया है। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा फ्रंट का पार्ट। टक्स डालने के बाद ये फ्रंट में हमारा पफ आ जाता है। अब ये नेट वाले फैब्रिक को हम इस साइड कर देंगे और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी होगी, नेट के ऊपर से लगाएंगे इस तरह से। नेट के ऊपर से हमें टॉप स्टिच, तो स्टिचिंग को हम इस साइड करते हुए पूरी स्टिचिंग देंगे। इससे हमारी फिनिशिंग भी आ जाती है और डबल स्टिचिंग भी हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ हाफ साइड जो स्टिच हो चुका है हमारा। ये देखिए ये हमारा हाफ साइड है हमारा। ये यहाँ पे अभी फिटिंग आ जाएगी तो ये कुछ इस तरह से आएगा और आप ये देख सकते हैं ये नेट की जो स्लीव्स हैं वो पूरी यहाँ से लुक आएगी। और ये पूरा जो ये राउंड शेप हमने नेट में कट किया था यहाँ पर हम लेस लगा देंगे या फिर पीको कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकेंड हाफ भी रेडी करेंगे। ये हमने दोनों साइड में स्टिच कर लिया है। अब यहाँ बैक साइड से ओपन हमें रखना है तो यहाँ पर हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। इस साइड में हम अपनी बड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। इस तरह से पट्टी लगाने के बाद हम यहाँ पर नेक लाइन की और आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे और रिब स्ट्रिप से, या फिर आप पाइपिंग भी कर सकते हैं नेक लाइन और आर्म होल पर। बड़ी वाली पट्टी लगाने के लिए इस तरह से फोल्ड करें और वापस से स्टिचिंग जहाँ पे हमने की थी उसी प्लेस पर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। और जो पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करनी होती है उसे हम दूसरी साइड में लगाएंगे और इस पट्टी को हम पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे।
इस वाली पट्टी को पूरी तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिंगल स्टिचिंग ले लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह से हमने आई हुक की पट्टी लगा ली है दोनों ही पैनल्स में, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। अभी यहाँ नेक लाइन और आर्म होल की फिनिशिंग मैं और एक पट्टी से करूँगी। यहाँ पर मैं आपको आर्म होल के साइड में और एक स्ट्रिप से फिनिशिंग करके दिखा देती हूँ, फिर बिल्कुल उसी प्रोसेस से नेक लाइन की भी फिनिशिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये और एक स्ट्रिप कटती है और इसे मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसे हम यहाँ आर्म होल की साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमें स्ट्रिप लगानी है तो हम इसे खींच कर नहीं लगाएंगे। अगर हमें पाइपिंग लगानी होगी तो हम इसे खींच कर लगाएंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें करना है, सिर्फ शोल्डर के पास आकर के हल्का सा हमें खींचना है, सिर्फ शोल्डर्स के पास में, और बाकी पूरे आर्म होल पे हमें ये स्ट्रिप एज इट इज़ लगा देनी है जैसे ये है। ना ही हमें मेन फैब्रिक खींचना है और ना ही हमें स्ट्रिप खींचनी है। इस तरह से हमने ये लगा लिया है। अब इसे उल्टी तरफ इस तरह टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम जो स्ट्रिप है हमारी उसे डबल फोल्ड करते हुए पूरी तरह से बैक साइड में हम टर्न कर देंगे और एक स्टिचिंग ले लेंगे। तरह से देखिए फोल्ड करते जाएंगे और स्टिचिंग लेते जाएंगे। इस बात का ध्यान रहे कि हमारी ओरेव स्ट्रिप फ्रंट साइड में विजिबल ना हो और हमारा मेन फैब्रिक बैक साइड में विजिबल ना हो। दैट मीन्स हमारी जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट साइड में आनी चाहिए। इस तरह से हमने आर्म होल पर और एक स्ट्रिप की फिनिशिंग कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सीधी ये स्ट्रिप की फिनिशिंग हो गई। बिल्कुल इसी तरह से और एक स्ट्रिप से नेक लाइन की भी फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ हमने पूरी फिनिशिंग कर ली है नेक लाइन की भी और आर्म होल्स की भी, दोनों साइड में फिनिशिंग हो गई है। अब यहाँ पर सिर्फ मुझे पीको करना है और फिटिंग लगा करके इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक मैं आपको शो करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ बनकर के कंप्लीट हो गया है और कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है ये नेट का। साइड में फिटिंग लगने की वजह से सिर्फ ये नेट की स्लीव आ गई है, यहाँ तक का आपका स्लीवलेस ये मेन फैब्रिक का है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये, और उसके बाद से ये नेट इस तरह से आ गई है और राउंड नेक में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक भी ट्राई कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इसको डिज़ाइनर और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ पर पाइपिंग या किसी तरह की लेस का यूज़ आप कर सकते हैं। नेक लाइन पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।